सत श्री अकाल पंजाब न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। एसजीपीसी चोणां च दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी अपने उम्मीदवारों उतारेगी चोन मैदान च। हरमीत सिंह कालका ने किया ऐलान, कहा पंजाब के 117 हल्कों च लड़ांगे एसजीपीसी चोणां। दिल्ली के गुरुद्वारा साहब च चलिया किरपाना, गुरु साहब की हजूरी च लथियां दस्तारा। मैनेजमेंट नू लैके दो तरां च होया विवाद। नाभा जेल च बंद भुलातों विधायक सुखपाल खहरा नू मिलन पहुंचे राजा वड़ेंग, मुलाकात उपरंत पंजाब सरकार ते लगाए गंभीर इल्जाम। सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होए मुख्यमंत्री भगवंत मान, 35,000 के करीब बच्चों नाल नशा मुक्त पंजाब बनाने लई कीती अरदास। हुण खबरां विस्तार दे नाल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां चोणां काफ़ी लंबे समय तो नहीं होईयां, जिसनों लैके लगातार वख-वख सिख जथेबंदियां दे वल्लों एसजीपीसी दियां चोणां करवाउण दी मंग कीती जा रही सी। एसजीपीसी दियां चोणां संबंधी वोटर सूचियां तैयार करन दा प्रोग्राम भी 21 अक्टूबर तो शुरू होण जा रहा है, जिस दे विच वोटरां दी रजिस्ट्रेशन शुरू कीती जा रही है। इसनों लैके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान हरमीत सिंह कालका ने ऐलान कीता है कि ओह भी चोण मैदान दे विच अपने उम्मीदवार उतारनगे। नाल ही ने पंजाब दे लोकां नूं अपील कीती है कि ओह पंजाब दा भला चाहुंदे ने तां गुरु वाले बनन अमृतधारी हो के एसजीपीसी दीआं वोटां जरूर बनाउण अते अपनी वोट दा सही इस्तेमाल भी जरूर करन। नाल ही ओह नशे दे मुद्दे उत्ते भी बोलदे होए नजर आए। सो जिहड़े लोकां ने इहदे विच वोटां नहीं बणियां होईआं, क्योंकि हुण तां सारीआं नवीं प्रक्रिया होणी है, और इहदे विच जिहड़ी गल हैगी है मेन, कल जथेदार हरप्रीत सिंह जी होना ने भी गल की सी कि जेड़े लोग गुरु ग्रंथ साहब महाराज से आस्था रखते हो, डेरेवाद ना जाते हो, डेरिया वाल ना जाते हो, वोटा बढ़ाने उन्होंने गल जरूर की है। मगर मैं एक हाथ जोड़ के बेनती कराँगा पंजाब के सारे उन्होंने लोगों कि जे तुम अपनी कौम का भला चाहते हो, वोट जी है वह साबित सूरत सिख द होनी है, और अलावा वोट ताकि इनवैलिड हो जानी है, क्योंकि इतने पतित सिंघा की दाढ़ी कट्टे हुए सिंघा दियाँ ये वोटा बाद चो कैंसल दे विच आणगियां, जिहदे विचों झगड़े पैणे आ। सो अज मौका है कि असी गुरु वाले बन के अपनी वोटा दे विच अपनी हिस्सेदारी पाईए, और अपनी जिहड़ी वोटर लिस्ट नूं वध तो वध बना सकीए। यह वोटा दे विच सारी पंजाब की संगत नूं मैं बेनती करांगा कि इहदे विच वध चढ़ के तुसी अपना और अपने परिवार दियां वोटा बनाओ, ताकि यह सुनहरा मौका जिहड़ा तुहानूं 12 साल बाद आया कौम दे विच ये हाथों ना जा सके। सो ये नाल नाल दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी भी तुहाडा इत्थे सहयोग करेगी, असी कैंप भी लावांगे, क्योंकि साडी भी बड़ी वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि असी इस चोणां दीआं वोटर लिस्ट नूं पूरे सुचिजे ढंग नाल चलाण वास्ते तुहाडे सारिआं दे सहयोगी बणीए। असी उहदे लई भी अपनी टीम नूं लामबंद करांगे, और नाल आउण वालीआं चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट जिहड़ी है वह भी ये पूरे जोर के नाल पार्टिसिपेट करेगी। देखो हले बड़ी इनिशियल स्टेज है, 170 सीटा हूँ 11 सीटा मेरे ख्याल हरियाणा की चले गई हैं, तो 159 सीटा पिछली बार के हिसाब के नाल सी। मगर डीलिमिटेशन हले होनी है, सारी हदबंदी तो बाद पता चलेगा कि केड़े केड़ा इलाका कितने डिपेंड करता, और असी बिल्कुल वो लाइक माइंडेड लोग जेड़े साडे नाल इतफाक रखते हैं, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट की आइडियोलॉजी के नाल इतफाक रखते हैं, उन्होंने सारियां नूं असी अप्रोच करांगे कि इहदे विच सारे मिल के असी कौम लई पंथ लई इकट्ठा काम कर सकीए। एक जिहड़ी अहम गल होर, क्योंकि जब एक्ट पढ़न ते आई है तो बड़ा कई बार दुख हुंदा है। दिल्ली तिलक नगर तो एक वड्डी खबर सामने आई है, इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे विच दो धिरां दे विचाले झड़प हुई है। दोवें धिरां दे विचाले झगड़ा इन्ना वध गया कि दोवां ने एक दूजे ते किरपाना दे नाल हमला करता है। इस दौरान कई जनियां दीआं तस्वीरां वायरल हुईआं ने, जिस दे विच दस्तारां लथियां विखाई दित्तियां ने। घटना तिलक नगर दे ब्लाक वी च स्थित गुरुद्वारा साहिब दी है। इस दौरान गुरु घर दी मर्यादा नूं तार तार करते हुए सिखां दीआं दस्तारां दी वी बेअदबी की गई। जानकारी के मुताबिक यह विवाद मैनेजमेंट नूं लैके होया।
इत्थे वड्डी गिणती च पिशौरी बिरादरी दे लोक रहिंदे ने। दस्सिया जा रहा है कि जनवरी महीने च इत्थे एक वड्डा सम्मेलन करवाया जांदा है जिस दी मैनेजमेंट नूं लैके गुरु घर दे विच चर्चा चल रही सी, तां इस दौरान बहस हो गई ते गल हथों पाई तक पहुंच गई। विवाद इन्ना वध गया कि दोवें धिरां हथों पाई हो गईआं ते गुरु घर च ही किरपाना कढ लईआं। यह घटना दो दिन पुरानी दसी जा रही है जिसकी वीडियो सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने तो बाद तिलक नगर तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर जतेंद्र सिंह सोनू ने पूरे मामले पर अपना बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि यह घटना बहुत ही मंदभागी दिल नूं दुखाउण वाली है। जिहड़ा मर्यादा का घाण होया मैं उसते दुख प्रगट करदा। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट बहुत वधिया चल रही सी पर हुण चार ग्रुप बन गए ने जिस दे विच काफ़ी लोग अमृतधारी नहीं अते गुरु घर की मर्यादा नूं नहीं समझते। जतेंद्र सिंह ने कहा है कि किसी भी गुरुद्वारा साहब की मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर अमृतधारी होण अते गुरु घर की मर्यादा नूं समझण वाले होण तां मैनेजमेंट बेहतर हुंदी है। उन्होंने अगे कहा है कि संत सुजान सिंह दे पोते संत नारायण सिंह दे प्रकाश की सरप्रस्ती विच गुरु घर की देखरेख होवे। कहनू तो भारत लोकतंत्र है पर इस लोकतंत्र घट गिनतियां नाल किहो जिहा सलूक हुंदा है तां किसे तों वी लुकिया नहीं। सिखां नाल धक्केशाही दीआं खबरां आए दिन सुरखियां बणदीआं ने। ताज़ा मामला यूपी दे शाहजहांपुर तों है जिथे एक सिख बजुर्ग अपनी शिकायत लैके थाने पहुँचता है पर पुलिस ने बुजुर्ग सिख की गल तां की सुननी सी बल्कि उसनू अत्तवादी ते खालिस्तानी कह के थाने तों बाहर कढ दित्ता। जिस तो बाद यह बजुर्ग योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लैके पुलिस कर्मचारी के खिलाफ इंसाफ की मांग कर रहा है। तुहानू दस दिए कि इस किसान दे वलों पिंड दे विच ही खेती करन लई कुछ कु जमीन खरीदी गई सी पर पिंड दे रहण वाले नीरज मौर्या अते उसके परिवारिक मैंबरां दे वलों इस बजुर्ग नू परेशान किया जा रहा है जिसकी शिकायत लैके यह बजुर्ग पुलिस थाने पहुंचा सी। मेरे साथ में घटना यह हुई कि हम अपना खेत खरीदा था, खेत खरीदने तो बाद में थाना दिवस में हमें बुलाया गया। दुर्गा जी ने दो सिपाही भेजे, हमें थाने में बुलाया गया। थाने में जब गए तो उन्होंने कहा कि तुमने ये खेत क्यों खरीदा है, ये तो नीरज मौर्या ने खरीदा है, इसमें 3 बीघा। तो मैंने कहा साहब उनने अपना 3 बीघा खरीदा, मैंने अपना 1 एकड़ 5 डिसमिल खेत खरीदा है, जिधर का उनका है वो ले लें, जिधर हमें दे दें आप हम उधर जोत लेंगे, वहाँ पर मेरी पहले से भी खेती है। तो दरोगा जी बोले ऐसा है कि अगर खेत में गया तो तेरा पता नहीं लगेगा तू कहाँ चले गया, और आप हमें जानते नहीं, तू आतंकी है, तू बेईमान है, तू साले बदतमीज है, जे है, मतलब तेरी दाढ़ी उखाड़ लेंगे, तू समझता क्या है, हम तो क्राइम इंस्पेक्टर हैं, आप जानते नहीं हो, और आपको मतलब हम बहा देंगे, आपका परिवार ख़त्म करवा देंगे, और मारने की धमकी दी। और हमें इस दरोगा जी से हमें बहुत बड़ा डर है सर, जो हमें मरवा सकता है, कल को मेरे साथ में कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार दरोगा बी के मौर्या और नीरज मौर्या, ये दोनों इसके जिम्मेदार होंगे, सरकार हमारी रक्षा करे, हमें इनसे बहुत बड़ा डर है। ये फोटो क्यों ले गए जी? हमें चौकी जी से न्याय चाहिए, हमें हम सरदार हैं तो हम आतंकवादी नहीं हैं, तो वो हमसे खालिस्तानी आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है, हमको बेमतलब में परेशान क्यों किया जा रहा है। गल बदला दी हुई सी पर आम आदमी पार्टी दी सरकार हुण अरदास करन ते उतर आई है। खैर गुरु अगे अरदास करनी भी चाहिए है पर सच्ची नीयत ते पंजाब लई समर्पण भी होना चाहिए जो इस सरकार दे विच नज़र नहीं आउंदा। सुरखियां बटोरन लई आए दिन भगवंत मान कुछ ना कुछ करते रहिंदे ने ते अज श्री हरिमंदर साहब विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान 35,000 विद्यार्थियों दे नाल सरबत दे भले अते नशा मुक्त पंजाब लई अरदास करन पहुंचे। इस दौरान संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री मान ने दावा किया है कि जिहड़े लोग नशे दे आदे ने उन्हां दा मैडिकल इलाज करवाया जाएगा। उन्हें कहा है कि साडा टीचा है कि बच्चों की पढ़ाई दे वल ध्यान दिता जाए तां जो आने वाली पीढ़ी नूं इस कोहड़ तों बचाया जा सके। चार पंज इहो जे फ्रंट ने जिथों नशियां दे खिलाफ असी मुहिम शुरू की है। DGP साहब मेरे नाल खड़े ने, मेरे कैबिनेट दे साथी मेरे नाल खड़े ने। अज ये जिहड़े इत्थे बच्चे आए ने इन्होंने सौं खाधी है, अरदास की है कि असी इस दलदल दे विच, ड्रग्स वाली दलदल दे विच नहीं फसना, नशियां वाली दलदल च नहीं फसना, ये तो होगी आने वाली पीढ़ी, इन्हों बचाइए, वो वास्ते इन्हों वधिया स्कूल मिलन,
कंपीटिशन होन आपस च, इन्हां दा ध्यान पढ़ाई वल ते होर उच्चे पदवियां हासिल करन वल जावे। खेडां भी शुरू कीतियां होईयां ने खेडां वतन पंजाब दियां, ताकि स्कूलां दे बच्चे पिंडां दे बच्चे खेडां दे विच हिस्सा लैण, उन्हां दा मन जिहड़ा वह कितें इधर उधर भटके ना, जो बुरी संगत वाले फिरते रहेंगे वो आसानी नाल जाल च फसा लेंदे आ। खेडां दे विच भी मल्लां मारियां ने और इस बार नतीजे भी एशियाई खेडां दे विच बहुत कमाल दे आए ने। 19 मैडल पहली बार हिस्टरी दे विच पहली बार होया कि पंजाब दे खिडारियां ने 19 मैडल जितते ने। फिर उस तो बाद पुलिस दे विच भर्ती हर साल लगभग 2200 तो 2300 वख-वख अहुदियां ते वह भी असी अनाउंस की हुई है, ताकि मुंडे कुड़ियां ग्राउंड दे विच जाके तैयारी करन ते वो इन्हां इन्हां जिहड़ियां अलामतां ने उन्हां तो बचिया जा सके ते वो बड़े बड़े अहुदियां दे उत्ते विराजमान होण। दो फ्रंट हो गए, खेडां वाला पुलिस वाला, तीजा रोजगार वाला। पंजाबी दी इक कहावत है, वेला मन शैतानी दा घर। तुसी कदे किसे इहो जिहे बंदे नूं नहीं जाणदे होवोगे, तुहाडे दोस्त मित्र जां तुहाडे साख संबंधियां चो, जिहड़ा बंदा नौकरी भी करदा होवे ते ड्रग भी लैंदा होवे, उदों फिर टाइम नहीं मिलदा। वह बंदा बिजी हो जाता है, वह काम तो आउंदा घरे बच्चों नाल आके खेड के रोटी खा के सौ जाता, सवेरे फिर काम ते जाना होंदा। सो नौकरियां देण दा प्रबंध सब तो वड्डा, जे असी ड्रग दे बच्चों नूं ध्यान हटाउणा है जां वापस लेके आउणा है, तां सब तो वड्डा हैगा रोजगार पैदा करना। ते उधर सीएम भगवंत मान दे बिना मिले परत जान ते एसजीपीसी ने नाराजगी जताई है। एसजीपीसी दा कहना है कि मुलाकात लई समा मंगन दे बावजूद भी मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं मिले। उन्हां कहा है कि श्री दरबार साहब नेड़े मुख्यमंत्री नूं साफ सफाई दे प्रबंधा बारे जाणू करवाउणा सी, पर उन्हां दे वल्लों मिलन दा समा ही नहीं दित्ता गया। उन्हां कहा है कि इस संबंधी सरकार साडी कोई भी गल नहीं सुन रही। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों संगतां दे सहयोग नाल जिहड़ा नशा विरोधी ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀਰੋ ਜੀਰੋ ਸਹਿਯੋਗ। ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਗਾੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੀ ਆਏ, ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। करीब एक घंटा सुखपाल खहरा ते राजा वड़िंग दी जेल दे विच मुलाकात हुई है। इस मौके राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी ते तिखे शब्दी हमले किए ने। राजा वड़िंग ने कहा है कि सुखपाल खहरा नू जानबूझ के फसाया गया, उन्होंने एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज किया गया, पर पंजाब सरकार तक्केशाही कर रही है। की होया सुखपाल सिंह खहरा दे नाल? बिल्कुल, मैं समझदा कि जमा सरासर धक्का होया, 8 साल पुराना केस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ 452 ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ 26 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ।
तो मैं यही कहना चाहांगा कि जब जब मैं बाकी भी कई अरी सूबिया का वेख्या काम जो वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई है बदलाखोरी की भावना नाल किसी भी कार्रवाई होंगी है फिर वह व्यक्ति भी उभर के आता है ते नाल सरकार दे प्रति जनता का पब्लिक का रोस भी वध है। मैं तो यही बेनती करनी चाहना है सरकार नू और खास करके मुख्यमंत्री पंजाब नू कि आओ रल मिल के असी पंजाब की तरक्की की गल करिए पंजाब नू लीहां ते लेके जाण की गल करिए आपां केड़ी बहस बसाइए च पै गए। मैं थोनू एस वाई एल दे मुद्दे ते भी यह गल कही सी प्राणियां छड़िए एक दूजे ते इल्जाम लाई जांदा दूजा दूजे ते लाई जांदा तीजा तीजे ते लाई जांदा रल मिल के बुद्धिजीवां दे नाल जिन्हां लोगों नू इस पानी दे बारे जिन्हां नू नॉलेज है जिन्होंने काम किया है किसान जथेबंदियों के नाल सारियां पार्टियां रल मिल के एक प्लेटफॉर्म पर आके असीं एस वाई एल की गल करिए ते तुसीं तां कह दिंदे हो भी आ जाओ मेरे नाल बहस करो। हुण यार मुख्यमंत्री साहब दे नाल बहस उन्होंने साडे सवालों के जवाब देने असीं थोड़ी देने है। सो मेरा तो एक ही मकसद अज मैं हुण मंडियां च जा के आया हुण भी मंडी च जा रहे हैं जो मंडियां च किसान दा हाल है। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी कि एस वाई एल का मुद्दा पूरी तरह पख्या होया है। उत्थे आम आदमी पार्टी दे पंजाब तो नामजद राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक ने इस नूं लैके वड्डा बयान दिता सी जिसनूं श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। मजीठिया ने ट्वीट करके कहा है कि एस वाई एल नहर के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के पंजाब तो राज्यसभा मैंबर संदीप पाठक ने अपनी पार्टी ते सरकार की विचारधारा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हुन अपने ही MP के बयान से अपनी चुप्पी तोड़नगे कि वह उन्होंने पार्टी के विचों सस्पेंड करने की मांग करेंगे जां फिर सिर्फ अपने आका अरविंद केजरीवाल के दबाव अगे चुप वट के बैठे रहेंगे। आओ तुहानूं सुनाउने आ संदीप पाठक का वह बयान जो उन्होंने सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे उत्ते दिता सी। मुद्दा बड़ा साफ है पंजाब के हक का पानी पंजाब को मिलना चाहिए हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रास्ता निकलेगा या बातचीत से रास्ता निकलेगी सुप्रीम कोर्ट का जो नतीजा आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस करेंगे सारे पक्ष आपस में मिलजुल कर सबसे सही रास्ता निकलता है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर आपस में मिलजुल कर करेंगे लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का इसमें अहम भूमिका रहेगा। कांग्रेस कह रही है चार जाली सेशन वर्तते फिरते हो SYL दे मुद्दे ते पंजाब दे कल दा संदीप पाठक वेखो दे नाल जोड़ा माजरा वजीर खलोता ओ जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की 964 नंबर कोठी च वो अनुराग करके एक बंदा टांडा अनुराग की ते एक ओ नाल ओ MP की नौ जी उहदा तमर ओ नाल सी उत्थे की कही जा रहे कि पानी दे दिओ सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे और नाल ओ सुशील गुप्ता खिला रहा जिहड़ा कहिंदा मैं कोने कोने तक पानी हरियाणे ते पहुंचा दूंगा कि भगवंत मान जी इन्हां नूं पार्टी चों कढ़नगे। जेड़ा बंदा कोई आके UP बिहार उत्तराखंड तो इन्होंने MP बनाता उन्होंने पंजाब के इशूज का ही नहीं पता और जाके सुप्रीम कोर्ट से जो बयान देता है कि वो थोड़ी डिबेट या थोड़ी विधानसभा तो उत्ते हो जूगा फाइनल फैसला तो चलना जो सुप्रीम कोर्ट से एफिडेविट है और सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल साहब का भगवंत मान जी का एफिडेविट आ कोर्ट से ऐज की वकील ने कही दिता कि SYL बन जाए सानू कोई प्रॉब्लम नहीं मगर विरोधियां पार्टी रोक दियां और केजरीवाल साहब ने पहला स्पष्ट करता। सो जो हालात बड़े है उहदे बारे लोगों नूं जागरूक करना और ये चीज़ां दे बारे लोगों नूं सुचेत करके जो पंजाब दा माहौल बनिया उहदे बारे अज चर्चा करन लई इकट्ठे होए। कौमी घट गिनती कमिशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने SYL मसले नूं लैके अहम बयान दिता है। लालपुरा ने कहा है कि मैं पंजाब दे नाल डट के खड़ा क्योंकि पंजाब दे कोल किसी नूं भी देण लई पानी दी एक बूंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि सन 1964 तो बाद पंजाब दीआं सारीआं पार्टियां एक दूजे उत्ते इल्जाम लगाउंदीआं आ रहीआं ने पर किसी ने इस मसले का हल नहीं कढ़िया। उन्हें कहा है कि संबंधित धिरां नूं गलबात दे राही इस मसले का हल कढ़ना चाहिए। नाल ही साबका कांग्रेसी विधायक कुलबीर जीरा की गिरफ्तारी ते इकबाल लालपुरा ने कहा है कि कानून सारयां दे लई बराबर होना चाहिए ते नाल ही पराली दे मुद्दे उत्ते भी ओह बोलदे नजर आए। देखो गल है कि 1966 दे विच पंजाब दी वंड हुई 1966 तो ही ये मुद्दा
क्यों छड़िया गया ये विचारन का विषय सानू सारे पंजाबियों क्योंकि उस वेले शरारत या सियासत शुरू कर दी गई जिहड़े मसले इन्ने सालों उदों ही हल हो जाने चाहिए सी दो महीने च हल हो जाते चार महीने च हल हो जाते अज असी इन्ने सालों बाद मसलों पर फेर कर रहे हैं। दूजी गल है इन्हां मसलों पर खून खराबा करना इन्हां मसलों पर एजीटेशन करनी जरा गलबात रहा सच का राह चुनना चाहिए तो जिहड़ियां संबंधित धिर ने उन्होंने देखना चाहिए कि असी किस तरह पानी नू सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दूजी गल बरसात दा पानी दा किवें चंगा ढंग वरत्या जा सकदा बरस जिहड़े तुहाडे नहरां दा दूजे पानियां दा किवें यूज़ किया जा सकदा। लेकिन एक गल नाल मैं कहांगा पंजाबी होण दे नाते कि पंजाब कोल वाधू पानी नहीं, मैं आप भी जिम्मेदार हाँ, मेरा भी 20 फुट ट्यूबवैल हर साल सानूं थले करना पैंदा ते जिहड़ा अज 500-600 फुट ते पानी चला गया ते हो सकदा 10 सालां दे पंजाब दे कोल पानी ना रहे। सारियां संबंधित धिरां नूं इह सोचना चाहीदा जिहड़ी गुरुआं दी धरती हैगी है वह पानी तो महरूम ना हो जाए, जिथे सतलुज वगदी है जिथे रावी वगदी है जिथे ब्यास वगदी है जे उही धरती पानी तो महरूम रह गई तो दूजिआं नूं जिहड़ा आ जे घर ना होवे कुछ खाण नूं ते दूजिआं नूं की दित्ता जा सकदा। पानी दी आपां गल कर बैठे हाँ अपने बाप दी हाँ जी ते पवन साडा गुरु है, पवन तो बिना साह ही नहीं आ सकता ते पवन भी साफ रहे पोल्यूशन ना हो पराली का सही इस्तेमाल किया जाए पराली नूं कागज़ बनाने अजकल तो बहुत कुछ चीज़ा बन रही हैं लेकिन वह किसान की पराली की कटाई तो उत्ते आमदन जी है जो ज़्यादा हो ऐसे उपराले सानू करने चाहिए। किसान मीरां नूं बेनती है पराली नूं साड़ो ना जिहड़े है बहुत सारे लोग साडे मैं जानना पंजाब प्रवासी डंगर लैके आउंदे आ रहिंदे भी पक्के वो पराली ही डंगरां नूं पाउंदे आ चारे की कमी है पराली नूं सही इस्तेमाल करना चाहिए साड़ना बिल्कुल उचित नहीं। कुलचा विवाद ते पंजाब दे कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने वड्डा बयान दिता है ते सब नूं मन घड़त कहानी दस्या है। मीत हेयर ने सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजीठिया नूं चैलेंज करदिआं कहा है कि मजीठिया यह साबित कर देन कि होटल दे कमरे च बैठ के उन्होंने कुलचे खाधे ने तां उह सियासत छड्ड देणगे नहीं तां उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहीदी है। जिक्रयोग है कि पिछले दिन ही बिक्रम मजीठिया ने मंत्री मीत हेयर सने हरपाल चीमा ते अमन अरोड़ा ते वड्डा इल्जाम लगाउंदिआं कहा सी कि पंजाब सरकार दे ए तीन वजीर अमृतसर विखे कुलचे खाण गए सी। जदों उत्थे भीड़ देखी तो सामने एक निजी होटल दे विच चले गए ते मैनेजर नूं कमरा खोलन दी गल कही। मैनेजर दे वल्लों पैसे मंगन ते मंत्री साहब भड़क गए। मजीठिया ने कहा है कि बेशक उस वेले 5500 रुपए कमरे दा किराया तां दे दित्ता पर नाल ही प्रदूषण कंट्रोल विभाग दे वल्लों होटल ते रेड करवा दित्ती गई। फिर एक्साइज महकमे दे वल्लों होटल नूं नोटिस कढ़िया गया। यह दोवें विभाग मीत हेयर ते हरपाल चीमा दे कोल ने। मजीठिया ने इस बयान ते मीत हेयर बोलदे होए नजर आए ने। पहली गल तां इह आ कि कुलचा जिहड़ा ना मैं बड़ा शकीन हां कुलचिआं दा ते कुलचा लैण वाले जिन्हां दा जिक्र कीता गया उह मैं जदों MLA भी नहीं सी उदों भी उन्हां दे खांदा सी फिर मैं MLA बणिआ उदों भी खांदा रिहा ते फिर जदों मैं मंत्री बणिआ उदों बाद ही मैं 3-4 वार उन्हां दे खा के जिहड़ा उह आया ते कुलचा खाने वाले ये पता होंगे स्वाद क्योंकि मेरा VC साहब नाल बड़ा प्यार है जिहड़े GNDU वाले है वह कई बार कहते हैं भी मीत जी थोनों इतने मंगवा दें मैं कहना जी जिहड़ा उत्थे बह के खाने का स्वाद आता ना वह उत्थे ही है ते अमृतसर वाले नूं पता है मजीठिया साहब नूं हो सकता ना पता हो तुसीं पुछ लिओ जाके भी कुलचा लैण ते कदे आया कि नहीं। सो मैं जो उन्होंने कहे है कि जी होटल के कमरे च क्योंकि ना एक कोई पत्रकार है देखो पत्रकार जिहड़ा आ असीं बड़ा सत्कार करते हैं पर जिहड़े इस तरह की पत्रकारी करते हैं ये मतलब के बड़ा मंदभाग है एक मनघड़त कहानी पता नहीं कितों ने लैके आती कि जी होटल के रूम च उत्थे पहला गए जी मंत्री साहब तीनों उत्थे उन्होंने कुलचा लैण दे उत्थे कहिंदे भी लोगों च खड़ के थोड़ी खावांगे असी होटल के कमरे च मंगावांगे उत्थे कुलचे मंगवाए पता नहीं की मैं एक मिनट मैं तुसी सारे इत्थे हो अमृतसर चो मैं एक गल अज अमृतसर की पवित्र धरती तो कहना यह गल प्रूव कर देन भी असी होटल के कमरे च बैठ के कुलचे खाधे है मैं राजनीति छड्डूंगा नहीं। बिक्रम मजीठिया तो जोड़ा एक पत्रकार वह माफ़ी मंगे तो जवाब देवे भी ये तुम मनघड़त कहानी फिल्म वाली ये जी कि बनाई कितने मतलब कि थोड़े एक मिनट थोड़े कोई मुद्दा नहीं असी 5 साल ऑपोजिशन रहे हैं
ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 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 ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗਵਾਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੱਬਣ ਦੀ ਸਾਰੇ ਮਲਵਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਜੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਲਵਈ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ Story in the Financial Times, one of the preeminent financial newspapers in the world, where they are clearly stating that Adani and the mysterious coal prices. Mr. Adani buys coal in Indonesia, and by the time the coal arrives in India, its price doubles, and he has taken approximately 12,000 crores from the pockets of the poorest people in India. Our electricity prices are going up, bijli ke daam badhte ja rahe hain, aur Adani ji over invoicing karte hain, paisa garibon ki jeb se lete hain, he takes money from the poorest people. Interesting question to me. The Financial Times has a huge story. This story would bring down any government. This is direct theft by a man who has been protected again and again and again by the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka, in Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Adani is over-invoicing coal and stealing directly from the people of India. And I don't understand why the Prime Minister doesn't comment on this. Pankha chalate ho, gareeb log pankha chalate hain, tube light chalate hain, to yaad rakhiye jab aap button daba rahe ho, jaise hi aap button dabate ho, ye jaise maine abhi ye switch dabaya, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है और करवा कौन रहा है अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फिलहाल पंजाब न्यूज़ में इतना ही मैनू दियो इजाजत धन्यवाद